गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो स्टूडेंट्स, अभी आप सभी बच्चे अपना प्लीज ध्यान रखना, क्योंकि आती जाती सर्दी है। ये देखो कैसा मौसम हो गया है ना आजकल, थोड़ी गर्मी कम हो गई है और हल्की हल्की ठंड आने लगी है। दिन में गर्मी हो रही है और शाम को ठंड हो जा रही है ना। तो स्टूडेंट्स, आप सभी अपना बच्चे ध्यान रखेंगे और अपने एग्जाम के लिए पूरी प्रिपरेशन कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम टाइम पे तो आपको बीमार होना ही नहीं है। तो बच्चों, अपना एग्जाम करके आपको नेक्स्ट डे ही पेपर अपना सबमिट करवाना है, नहीं तो अगले दिन आपका पेपर नहीं लिया जाएगा। सो नाउ स्टूडेंट्स, इट्स योर मैथ्स क्लास। तो ये आपकी मैथमेटिक्स की बुक है। तो बच्चों देखिए, 34 पेज नंबर निकालिए। 34 में आप 33 पेज नंबर तक हमने कर लिया था। देखिए 33 तक हमने यहाँ पर किया हुआ है ना, प्रैक्टिस के लिए जो हमें दिया गया था। तो बेटा यहाँ पे नंबर 21 to 25 दिए गए हैं, ठीक है, 21 to 25। तो बेटा आपको क्या करना है, मैंने पहले भी बताया था, आपको सिर्फ ट्रेसिंग करनी है 21, 22। तो बेटा आज आप ये करेंगे, ठीक है, 21 to 25। उसके बाद आप पेज नंबर 35 पे आ जाओ, 26, 27, 28, 29, 30। ये भी आप अपने आप खुद से करेंगे ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। बेटा क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको इसके ऊपर पेंसिल फेरनी है, ट्रेसिंग करनी है, जैसे इस तरीके से 26, ठीक है। खुद पेंसिल चला लोगे ना बच्चों, मैम तो आपको बता ही सकती है। तो इस तरीके से आपकी काउंटिंग की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसीलिए बेटा मैं आपको करवा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है ना, बिफोर, आफ्टर, बिटवीन और ये जो पुट द साइन होते हैं, वो गलत करते हैं, एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो स्टूडेंट देखो, बिफोर और आफ्टर एक साथ दिया गया है, एक तरफ आपको बिफोर लिखना है, एक तरफ आफ्टर लिखना है। तो हम एक बार फिर से इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, ओपन पेज नंबर 37, ऑल द स्टूडेंट्स ओपन योर बुक एंड पेज नंबर 36, आपको पेज नंबर 36 निकालना है। तो चलिए बच्चों देखिए, बीच में क्या लिखा है, 27, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, 26, 27, 28। अब समझ गए आप? सो व्हाट कम्स बिफोर 27 के बिफोर क्या आता है, 26, एंड आफ्टर इज 28। सो यहाँ पर लिखा हुआ है 22। सो स्टूडेंट, व्हाट कम्स बिफोर 22 क्या आता है, 22 से पहले 21, एंड व्हाट कम्स आफ्टर 22 इट्स 23, 21, 22, 23, ठीक है। अब यहाँ पर है बच्चों 21, तो 21 से पहले क्या आता है स्टूडेंट्स, 20, 20। सो 20, 21, 22 अगर आपके एग्जाम में आएगा तो स्टूडेंट्स आपको क्या कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। एक पहले पहला नंबर लिखना है, फिर बाद वाला। वैसे तो एग्जाम में इस तरीके का पैटर्न तो नहीं आएगा, सिर्फ बिफोर आएगा देन आफ्टर आएगा, लेकिन आफ्टर बिफोर इसमें आपको एक साथ ही दिया गया है फॉर योर रिविजन। तो बच्चों ये भी देखो यहाँ पर है ना, प्रैक्टिस 21 to 30, तो हम आज एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन आपको बिल्कुल भी ना हो। और बेटा इंग्लिश का भी अच्छे से आप लोग लर्न कर लेंगे, इंग्लिश में आपको जो भी करवाया गया है, ए ई आई साउंड वर्ड, वो सब आपको कंप्लीट करना है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, व्हाट कम्स बिफोर 29, सो बिफोर 29 इज 28, 29, एंड आफ्टर दैट 30, 30। सो स्टूडेंट्स, ये दो बॉक्सेस मैं खाली छोड़ रही हूँ, ये दो बॉक्स आप खुद करेंगे, ठीक है ना, आप खुद भी करना सीखिए। तो चलिए उसके बाद यहाँ पर आते हैं, व्हाट कम्स बिफोर 24, सो बिफोर 24 इज 23, एंड व्हाट कम्स आफ्टर 24 इट्स 25। ओके, 23, 24, 25। सो नेक्स्ट इज, नेक्स्ट नंबर इज 26, सो व्हाट कम्स बिफोर 26 इट्स 25, 25, 25, 26, एंड आफ्टर दैट इज 27। अब ये बॉक्स भी मैं खाली छोड़ रही हूँ, इसको आप खुद फिल करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट है आपका, व्हाट कम्स बिटवीन, तो बिटवीन का मतलब क्या होता है, बीच में। ध्यान से देख लीजिए, बिफोर मीन्स पहले, आफ्टर मीन्स बाद में, एंड बिटवीन मीन्स बीच में। जो नंबर बीच में आता है हम उसको वहां पर फिल करते हैं, और बिफोर मतलब कौन से डिजिट से पहले कौन सा डिजिट आता है, या कौन से नंबर से पहले कौन सा नंबर आता है, एंड आफ्टर मीन्स बाद में, कौन से नंबर के आफ्टर यानी बाद में कौन सा नंबर आता है, ठीक है। इट्स अ मैथ्स, तभी इसको मैथ्स बोलते हैं बेटा, ठीक है। व्हाट कम्स इन बिटवीन, तो बिटवीन 21 एंड 23, सो व्हाट कम्स बिटवीन 21 एंड 23 क्या आएगा, 20
टू, हमेशा जो ये वाला नंबर है, फर्स्ट वाला नंबर है, इसके बिफोर वाला, इसके आफ्टर वाला नंबर आपको लिखना है, और जो लास्ट नंबर है उसका बिफोर लिख देना है, तो वो बीच का नंबर निकल आता है। जैसे आप काउंटिंग अगर पढ़ें तो 21, 22, 23, अब यहाँ पर लिखा 22, तो आप यहाँ पर 24, तो क्या आएगा 22, 23, 24, ये वाला आप खुद करेंगे, ठीक है। 2020, अब बीच में क्या आएगा 21, 21, 22, 22, 27, 27, 28, 28। स्टूडेंट्स अपनी बुक खोल लीजिए, साथ के साथ आपको करना है, ठीक है ना बच्चों। सो स्टूडेंट 27, 28, 29, तो बच्चों आप साथ साथ कर लेंगे, इसीलिए मैं आपको कॉपी में वर्क नहीं दे रही हूँ, ताकि आप लोगों को कॉपी में कोई भी वर्क ना करना पड़े और यहाँ तक हमारी बुक भी फिल हो जाए, 36 पेज नंबर तक आज हमारी बुक फिल हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आपको बुक चेक करवाने के लिए स्कूल में नहीं आना, क्योंकि 12 से आपके एग्जाम है, तो सिर्फ आपके एग्जाम पेपर ही आएंगे। तो पहला पेपर आपका 12 को होगा, तो 13 को आपका क्या होगा, एग्जाम का सबमिशन होगा, ठीक है। 20, अब नेक्स्ट देखिए 20, 21 एंड आफ्टर दैट 22। सो स्टूडेंट्स ये वाला आप खुद करेंगे, मैं आपको ये वाला करवा रही हूँ, ठीक है। 23 के आफ्टर क्या आता है, जल्दी से ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लो, आप तो गुड बच्चे, आपको पता है 28 के बाद क्या आता है, लिख लीजिए। फिर 23, 25, तो यहाँ पे क्या आएगा 24। अब ये वाला क्वेश्चन भी आप खुद करेंगे, ठीक है। दो बॉक्स मैंने इस पे भी छोड़ दिए हैं, 3 बॉक्स और 3 बॉक्स यहाँ छोड़ दिए, ठीक है। अब आज आ जाइए, पुट द करेक्ट साइन ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल इन द बॉक्सेस। तो ग्रेटर देन का साइन आपको पता है स्टूडेंट्स ये होता है, और लेस देन का साइन ये वाला होता है। तो हमें हमेशा किस पे लगाना होता है, ग्रेटर देन पे साइन लगाना होता है, जो बड़ा नंबर होता है, ठीक है। अब देखिए 27, 27 क्या आएगा, यहाँ पर इक्वल का साइन आएगा, क्योंकि यहाँ पर 27 है, यहाँ पर भी 27 है। अब 21 एंड 29, तो कहाँ पर आएगा साइन 29, तो 21 छोटा है, तो ये लेस देन का साइन इसकी तरफ आ गया, और ग्रेटर देन का, ग्रेटर देन की साइड जो बड़ा है, जो बड़ा नंबर है उसकी साइड क्रोकोडाइल का माउथ खुल गया। तो हमेशा बड़े नंबर की तरफ ही साइन लगाते हैं, ठीक है। 30 एंड 20, तो हम किस पे साइन लगाएंगे 30, 24, 24। सो स्टूडेंट 24 और 24 उन दोनों सेम नंबर है, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों इक्वल है, तो इक्वल का साइन आएगा 24 एंड 28। सो स्टूडेंट्स क्या आएगा, यहाँ पर 28 की तरफ साइन लग जाएगा। 16 एंड 26, सबको ही पता है 16 बहुत छोटा नंबर है, 26 बड़ा है, तो यहाँ पर 26 की तरफ साइन आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स आज हमने क्या किया बच्चों, मैथ्स में एक बार फिर से प्रैक्टिस करी। आपको क्या करना था, पेज नंबर 34 को आपको ट्रेस करना है, 35 को भी आपको ट्रेस करना है, सिर्फ काउंटिंग को और नंबर्स की स्पेलिंग पढ़नी है, ठीक है। और एक बार इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है, व्हाट कम्स आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन की, और बाकी आपको जो सिलेबस में काउंटिंग और टेबल, नंबर्स, नेम, जितने तक 15 तक मैम ने करवाए वो सब कुछ आपको अपने एग्जाम के लिए लर्न करना। और बच्चों आपको इंग्लिश का भी जो भी मैम ने क्लास वर्क में करवाया है वो सब कुछ आपको लर्न करना है, ठीक है। पेपर कहीं भी बाहर से नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान लगाने की जरूरत है। मैम ने आपके लिए बहुत ईजी पेपर बनाया है, ठीक है। सो स्टूडेंट अगर आप अपना पेपर टाइमली सबमिट नहीं करवाएंगे तो आपका पेपर चेक नहीं होगा, ओके। सो ऑल द स्टूडेंट्स और ऑल द स्टूडेंट्स ऑल द बेस्ट, सभी बच्चों को बेस्ट विशेस, अच्छा पेपर करना, ओके ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।